कि वो नबी आएगा, उसकी शान ये होगी, एक तारा तुलू होगा। भाई मक्का में सारे यहूदी जमा हो गए ना, तौरात की तख्तियां लेकर खड़े थे ना। फरमाया कि वो नबी आएगा, वो नबी होगा क्या? फरमाया उम्मी होगा। उम्मी का माना है किसी से पढ़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन सबको पढ़ाएगा। वो ज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, होगा उम्मी लेकिन कायनात को पढ़ाएगा, होगा उम्मी कायनात को पढ़ाएगा। हजरत बताएं, क्योंकि हर नबी एक मखसूस जगह के लिए आया, एक खित्ते के लिए आया, लेकिन मेरा नबी सारे आलमीन के लिए आया। अब आलमीन में मुफ्ती मजार खान नहीं भी अलीरमा इशाद फरमाते हैं कि फरमाया 17,000 आलम, कितने 18,000 आलम, बाद में 18,000 आलम, कितने आलम 18,000 आलम, और 18,000 आलम पर फकत मेरा नबी। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह, मेरा नबी 18,000 आलम पर फकत मेरा नबी। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मुलाए कौल, इकबाल बोल उठा कि खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबद हस्ती तभी शमादा इसी नाम से है। इकबाल बोल उठा कि होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, होना ये साखी तो फिर माँ भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, क्योंकि फरमा खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबद हस्ती तभी शमादा बोलो इसी नाम से। हुजूर आए ना हजरत, मतलब हर नबी बता रहा है कि नबी आएगा, नबी की शान होगी और उसकी शान ये होगी वो उम्मी होगा। क्या होगा? ये मेरे नबी का वस्त है। उम्मी, उम्मी का माना किसी से उसने पढ़ा नहीं, किसी से पढ़ा नहीं। आज 1400 साल गुजर गए हजरत मोहतरम, सारे लोगों ने तहकीक करी लेकिन ना मेरे नबी के इल्म को चैलेंज कर सके, ना मेरे महबूब की तबलीग को चैलेंज कर सके, ना मेरे करीम की नबूवत और रिसालत को चैलेंज कर सके। हजरत मोहतरम बेशाख्ता कहने लगे कि फरमा दुनिया में तो बहुत आए लेकिन जिस शान से मोहम्मद अरबी आया सुबह कयामत तक उस शान से कोई नहीं आ सकता। उम्मी बनकर आया, उम्मी किसी से पढ़ा नहीं। हजरत मोहतरम उम्मी क्यों बनाया? फरमाया कि महबूब हम उम्मी बनाकर महबूब फरमा रहे हैं ताकि कोई ये ना कहे कि आपने किसी जामिया से किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी से पढ़ा नहीं लेकिन सारी कायनात आपसे पढ़ रही, किसी से पढ़ा नहीं। वाल्लमा कमालम तकुन तालम, आप जो ना जानते थे रब ने आपको सब कुछ बताया, जो कुछ ना जानते थे रब ने आपको बताया। अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने आपको बराह रास्त कुरान सिखाया। वमा हुवा अलल गैब बिदनीन, बाबा इस रसूल से जो भी गैब पूछते हो ये रसूल बताएगा, ये रसूल बताएगा, इस रसूल से कोई चीज पोशीदा नहीं। जिसका मिलाद सजा कर बैठे हैं उससे कोई चीज छुपी नहीं है, पोशीदा नहीं। जो जो चीज छुप जाए वो नबी नहीं। हाजी जिस चीज से छुप जाए वो नबी नहीं। बाबा ये नबी तो इतनी शान वाला, फरमाए तो तुम्हारी जान है ना, जान हमारे जिस्म में जान है। बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछो कि वो जान आपकी जिस्म में है कौन सी जगह, आपके जिस्म में जो जान है वो जिस्म के कौन से हिस्से में आपकी जान है। सर में दर्द हो तो कहते मेरी जान निकल रही, आंखों में तकलीफ हो तो मेरी जान निकल रही। हालात बताइए ये जान है कहां? रब ने फरमाया तुम्हें अपनी जान का नहीं मालूम, तुम्हारी जान है कहां? लेकिन मेरा महबूब शान वाला कि महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब तर है। तुम्हें अपनी जान का नहीं मालूम लेकिन महबूब उससे भी ज्यादा जानता, उससे भी जानता। अल्लाह तआला मतलब जो महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब तर हो तो उसकी जान का आलम क्या होगा?